जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं नक्शा खींच लूँ किस कमरे में कौन कौन बैठा हुआ है और क्या चाहता है दुनिया से, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे और वही तफसीली बात होगी। मैं ज़्यादा स्लाइड्स नहीं लगाऊंगा, फिक्र नहीं करें, क्योंकि आपने पढ़नी है भी नहीं और मुझे कोई फ्रेंकली ज़्यादा पता भी नहीं है अंदर क्या लिखा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, आज बहुत बहुत ज़रूरी सेशन के लिए आप आए। मैं बड़ी दूर से आया हूँ सिर्फ इसलिए कि अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, कि कोई एक लम्हा भी ज़ाया ना हो जाए। और अभी आते ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 12:30 बजे ये सब भाग जाएंगे, तो मैंने ना ये सारा कुछ एक घंटे के अंदर अंदर बहुत जल्दी कवर करना है, ठीक है? तो मैं ज़्यादातर जो पीछे बैठी हुई ख़वातीन हैं उनसे बात करूँगा ताकि सबको आवाज़ आए, क्योंकि अगर मैंने आपस में गुफ्तगू शुरू की तो आप लोग आउट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता ना कि आपके साथ अगले 10-15 सालों में क्या होना है, ठीक है, कि मैं ये चाहती क्यों हूँ, इससे मेरे से दुनिया से क्या फ़ायदा, दुनिया में से क्या फ़ायदा उठाएगी, ठीक है, तो फिर आप गलत सब्जेक्ट्स में। आपने अभी तक अपने फ़ायदे सोचे हुए हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। जब मैं इस कमरे में आया था ना तो मुझे पता था कि आप लोग नहीं इधर आए हुए, आप लोगों के ख़ानदान इधर आए हुए, आप लोगों के अम्मा अब्बा कज़न सहेलियाँ मामा चाचा, जिन लोगों ने ना आपको मेंटली ट्रेन कर रखा था कि इस यूनिवर्सिटी में जाना, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, ठीक है, और अभी तक आप तलाश करिए कौन दुरुस्त था उनमें से। अम्मी ठीक थी, अबू ठीक थे, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तक किताब से मुझे उतनी नफरत है जितनी मैट्रिक में थी या इंटर में थी, उतना ही बोझ होता है पर्चों में जितना मुझे बचपन से होता है। जिस दिन आपको अपनी मर्जी की किताब मिल गई ना, उस दिन आपको दुनिया का मकसद ही मिल जाएगा। किताब इतनी बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर उसके लिए और सारी किताबें भी खोलनी पड़ेंगी। खाली यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल की किताबों से नहीं मिलने वाला मकसद, और वो हर जगह पर पड़ी होती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाइब्रेरी होगी कोई, ठीक है? आपने कभी कोई और किताब खोलने की जसारत की है कभी? अच्छा, किस फ्रीक्वेंसी से? ये तो बड़ा अच्छा यस आया जी, यहाँ से आई यस जी। क्या नाम है आपका? कभी भी नहीं खोली? आखिर में ही रहते हैं जी। आपका नाम क्या है? जब से लास्ट खड़ी हुई है एकदम, आप खड़ी हुई अभी तक क्या? इधर क्यों नहीं बैठ जाते? खाली कुर्सी किस लिए रखी है? अच्छा, वो कोई डेकोरम के खिलाफ बात तो नहीं मैं कर रहा? यहाँ पे खास लोग बैठते हैं, तो आपसे ज्यादा खास है कोई? आज आपके लिए बंदा आया हुआ इधर, वो 6 बंदे उधर खड़े हैं, ये कोई ये 2 घंटे खड़े रहेंगे इधर? अच्छा, तो इधर बैठना मना है, ठीक है? अच्छा, बात नहीं, आपका नाम है इरम जी। इरम, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी अभी, ठीक है? लेकिन दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेली जा रही है, 7 अरब लोग सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। मैं आप सब, आपकी अम्मी अब्बू टीचर्स, आपके बच्चे भांजे भतीजे कजन सहेलियां, सब एक ही गेम खेल रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो पता क्या, कि मैं जो बात करूं मैं वो वैसे ही अगले के दिल में उतर जाए। सारी की सारी दुनिया के 7 अरब लोग रोज इस कोशिश में उठते हैं और शाम को सोते हैं, कोई डिप्रेस होता है, कोई खुश होता है कि आज का काम हो गया। कोई सेल्समैन है तो कोई टीचर है, कोई टीचर है तो स्टूडेंट है, हर बंदा अपनी सहेली को, दोस्त को, अब्बू को, अम्मा को कुछ ना कुछ मनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? आपके ना वो जो दिमागों के ऊपर जो गर्द का गुबार लिपटा हुआ है ना इस वक्त, वो जो नर्सरी से स्टार्ट हुआ था और नहीं, मरते दम तक वो गुबार नहीं उठने वाला, वो आज इसलिए कहा था बड़ा जरूरी दिन है। कभी जो केजी क्लास होती है ना आपकी, जो किंडरगार्टन होती है, उसमें आपको बताया गया था कि वो सोचना नहीं है, जो कह रहे हैं वो करना है, ठीक है? वरना बचपन में किसी ने पूछा था, सर ये ABC की ये सीक्वेंस किसने सेट किए, CAB क्यों नहीं हो सकता? थप्पड़ पड़ा था कि तू बताएगा हमें, बड़े बूढ़े कह गए हैं, बड़े बूढ़े कि ABC होता है। हालांकि ABC का कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि वो वेट निकालना हो, ऐड करना हो, CAB भी तो उसी तरह, हमने तो बाद में इस्तेमाल करना ना ABC अल्फाज में। कभी सोचा किसी ने? सोचते थे हम, हर बच्चा अल्लाह ताला ने सोचने वाला ही पैदा किया होता है। आप भी, मैं भी, मेरे बच्चे भी, आपके बच्चे भी, सब, आपके अब्बा जी भी बचपन में सोचने वाले थे। बाद में बताता हूँ क्या हुआ सबके साथ। उस दौरान ना आप लोगों के साथ जो सोचने का जो सर्किट है ना, उसकी तार निकाल ली गई। हर बच्चा आपके साथ भी, आपके तो अभी बच्चे नहीं होंगे मगर आपके जो भांजे भतीजे होंगे आपसे पूछते होंगे ना कि खाला जी ये क्यों होता है, ये कैसे हो गया, ये दुनिया को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने, ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते होते हैं। और उसके बाद 1-2 थप्पड़ के बाद बच्चा ठीक हो जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट, ये असली साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान का, ठीक है? और ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा, फिक्र नहीं करें। कैरियर का फुल सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मकाम है,
कैरियर एक छोटी सी चिड़िया है, हमने ना असल में कैरियर को बहुत बड़ी चीज बना ली है। और मैं जान के ना आपको तोड़ तोड़ के बात बताऊंगा, ठीक है। कैरियर को इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। जिस दिन आपने कैरियर को बता दिया ना कि भैया मैं तेरे से बड़ी हूं और तू मेरे से छोटा है, मेरी वजह से तू होगा, तेरी वजह से मैं नहीं होंगी, तब आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में बड़ा नाम हो गया आपका। ओके, अभी बताता हूं कैसे होगा, फिक्र नहीं करें, साइंस लेके आया हूं मैं। कॉम्प्लिकेट नहीं करना करियर को, जितना सिंपल रखेंगे उसकी साइंस नहीं निकालेंगे तब तक हर बंदे को पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये करना था यार, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि ये तो हर कोई कर सकता है, इसमें कौन सी कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस निकाल ली है, तो बेसिक 1, 2, 3 है। अभी दिखाता हूं आपको। दुनिया में ना असल में ना ये जो 214 पासपोर्ट है ना, पहले तो इसके इस गुबार से निकले, 214 मुल्क है ना उनके 214 पासपोर्ट है। पाकिस्तान का किस कलर का है? 214 पासपोर्ट को ना जरा कम करते हैं ताकि आपको पता चले कि असल में दुनिया में किस तरह के लोग हैं, वरना तो हम ही सोचते हैं ना कि इंडिया में और तरह के लोग हैं, ब्राजील में और तरह के लोग हैं। असल में ना आप और साइबेरिया और श्रीलंका और ब्राजील और अमेरिका में आपकी तरह की एक खास पीशी पाई जाती है, मेरी तरह की भी। दुनिया में सिर्फ 3 पासपोर्ट हैं। जिस बंदे के पास वो 2-3 पासपोर्ट की सेंस आ गई ना, उसका कैरियर रोशन हो गया, ठीक है। अब वो कौन से पासपोर्ट हैं? वो हैं जिस तरह के लोग हैं उस तरह की कौम है। बस हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारी ही तरह का सोचने वाला एक न्यूयॉर्क में भी बच्चा बैठा हुआ है, बच्ची बैठी हुई है, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी। निशानी होती है लोगों के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में तनकीद करता है, लोगों के बारे में अच्छाई करता है, लोगों के बारे में अपने आप को बताता है। और पाकिस्तान में आपको तो मेरे से बेहतर पता है, आप जरा कॉलेज आके दिखाएं, जिस लड़की दूर रहती है वो 1,00,000 आदमी देखते हैं उसको, जो करीब रहती है उसको 1,000। घर से वैसे अपने एग्जिट करना होता है, पूरा मोहल्ला बाहर निकलता है, टाइमिंग ठीक थी बचपन से। अभी तो आपने नोट नहीं किया इस बात को, अल्लाह ताला ने तो लड़की को खास से डाल दिया होता ना, वो पीछे से ही बताते कौन देख रहे यहाँ पे वहां पे वहां पे। लड़कों को ये डाल नहीं होता, ठीक है, लड़कों को ये पता लड़की कहाँ आ रही है। अब वो हू के लड़के होते हैं बेसिकली, ये आपको मेरे से बेहतर पता है कि हू कौन के की गलाजत क्या है। और ये सिर्फ आपको नहीं घूरते, ट्रस्ट में आदमियों को भी आदमी घूर रहे होते, ये क्या पहन किया है यार आज, हर चीज में टोल लगाई हुई होती है उन्होंने हर चीज। देखे जब अफवाह खबर से ज्यादा तेजी से फैलना किसी कौम में, तो पता चल देना चाहिए कि हु कौम है, क्योंकि लोगों के बारे में होती ना अफवाह, ठीक है। जिस बंदे की और जिस कौम की हु सेक्टर में सोच रहेगी, उसका कैरियर कभी नहीं बन सकता। भला क्यों? उसकी तमाम का सक्सेस और फेलियर लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। हाउ कैन यू पॉसिबली सेट अ सक्सेस और अ फेलियर बेंचमार्क? नो वन कैन। 7 अरब लोग हैं, 7 अरब के 7 खरब मसाइल और सक्सेस और फेलियर, आपको कैसे पता आप किस बेहतर है, ठीक है। सो कभी भी पैसे को कैरियर से नहीं आपने करना, और ना ही वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कैटेगरी में आएगा। अभी बताता हूं क्यों। दूसरा जो पासपोर्ट है ना, वो है हाउ का। जिस कौम ने हाउ की सोच पकड़ ली, उस कौम ने दुनिया फतह कर ली। ये मैं हिस्ट्री से बता रहा हूं आपको, अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं दे रहा हूं दोनों चीजों की। यूरोपियंस ने जब 1800 में हाउ सेक्टर में आई थी ना, एंट्री मारी थी, तो एक एक इजादात वो 400 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस से निकलती है, इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी का स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने बल्ब से लेके ट्रेन, हवाई जहाज, एवरी सिंगल थिंग की हाव निकाल ली थी कि ये होता कैसे है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन कहां पे क्या जीत रहा है, क्या हार रहा है, कितना गरीब है, कितना अमीर है। वो हाव में उनकी सोच, उनके बच्चों की ट्रेनिंग हाव में थी। जो टॉप नॉच लोग होते हैं ना दुनिया के, वो हाव नहीं होते। हालांकि पूरा अमेरिका, बरतानिया सारा देखें, कभी आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे ना, तो आपको वहां की सड़कें पक्की मिलेंगी, सफाई मिलेगी, सब कुछ। और हम लोग कहते हैं ना कि यार वहां पे ज्यादा इस्लाम है, सुना है वहां पे कोई लड़कियों को नहीं घूरता, ये तो सुना होगा आपने, क्योंकि वो हाउ में इस वक्त घुसे हुए हैं, वो हु सेक्टर से बाहर आए हुए हैं, वो कोई खास ईमान के दर्जे पे नहीं है, उनकी सोच जो है ना वो दूसरे सेक्टर के अंदर है। हाउ सेक्टर हमेशा साइंस ऑफ थिंग्स में जाता है, साइंस में, हर चीज की साइंस के पीछे चल जाता है कि ये कैसे हो रहा है, इसको मैंने कैसे फतह करना है। जैसे आपको पता चल जाना है कैसे होता है, आपको साइंस से पता चल जाएगा। जैसे आप वो 5 साल क्वेश्चन पेपर के नहीं हिले हुए, आपको एकदम पता चल जाए अच्छा ये है बात, पूरी कहानी। वैसे ही टीचर कब से पूरी पूरी किताबें दे रही है, इसी से रिवर्स इंजीनियर कर लेती, आपका भी टाइम बच जाता, मेरा भी। हाउ का ना हल्का फुल्का वो एलिमेंट आता है। आप जरा ऊपर आए, वो वाला पासपोर्ट जिसकी वजह से आप लोगों ने इंशाल्लाह, देखिए 200-300 खवातीन एक कमरे में ना, ये हो ही नहीं सकता कि 10 साल बाद आप में से किसी 10% का सुप्रीम लेवल करियर ना डेवलप हुआ हो। ये आज आपने फैसला करना है कि
वो 10% आप हैं या नहीं, क्या पता किस फील्ड में क्या कर रही होंगी आप। ये मैं मान ही नहीं सकता, स्टेटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी जो है ना सर्वाइवल मोड में चल जाएंगी। ठीक है, यू विल डू बिग थिंग्स, सम ऑफ यू विल डू ऑसम थिंग्स, सम ऑफ यू विल डू नथिंग, बट दोज ऑसम थिंग्स विल डिपेंड ऑन आपकी सोच किस सेक्टर में रजिस्टर कर दी गई थी। दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब वो जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो वो शुमाइला ने आया था ना कि भाई मैंने मोबाइलिंग क्यों छोड़ी, और मुझे पता चल गया था कि मैं दुनिया में इस काम के लिए आकर रोज आऊं, कॉर्पोरेट की तनख्वाह लूं, यकम तारीख तक तो खुश हूं, 20 तारीख तक डिप्रेस हूं, ठीक है, और फिर यकम का इंतजार करूं। ये है ना कॉर्पोरेट लाइफ हमारी। वाई का जो सेक्टर है ना, वाई वो रजिस्टर कर लिया जिस खातून ने, जिस मर्द ने, वो दुनिया फतह कर गया। इतना ज्यादा, इतना बड़ा काम कर जाता है वो अपने लिए कि वो पूरी की पूरी दुनिया से आउट हो जाता है, उसकी जोन ही अलग रहती है, वो आपके सामने बैठा होता है मगर वो आपके साथ नहीं होता, वो अपने मकसद से इस लेवल पे अटैच हो जाता है, कोई भी मकसद उसका, ठीक है। जब वो वाई सेक्टर की प्रैक्टिस में आता है ना, तो फिर वो अपने छोटे मकसदों को बड़ा करना शुरू करता है, बड़ों को और बड़ा, और फिर सुप्रीम लेवल पे ले जाता है। प्रैक्टिस की बात है ना, अल्लाह ताला ने वाई की बरकत बच्चे के अंदर डाली थी, और वो जब वापस आप लेके आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा अब वाई का मजा क्या है, और इस लेवल की अचीवमेंट्स आप लोगों ने करनी है, फिर इतने इतनी स्पीड से आगे जाना है। हु के बंदे रोज डिप्रेस होते हैं क्योंकि कोई और आगे, वो डिपेंड करते हैं ना। हाउ के बंदे कई दफा डिप्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो एडिसन ने कहा था, एवरी टाइम आई फेल आई लर्न अ न्यू रीजन नॉट टू डू इट, और हाउ नॉट टू डू इट, सॉरी हाउ नॉट टू डू इट, हाउ का सेक्टर था ना, तो फेलियर तो उधर भी है, फेलियर हू में भी, हू में तो अरबों फेलियर है ना, ठीक है, वाई में कोई फेलियर नहीं है, क्योंकि वाई जो सेक्टर में आ रहा था ना, उसको जितने भी लोग कहते हैं ना, यार तू क्या कर रहा है यार, तू तो तूने तू पागल हो गए, तू दुनिया से अलग उल्टी गंदा बांधने की कोशिश कर रहा है, वो और ज्यादा उनको तस्कीन मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको, उनको पता चलता है कि आसान काम नहीं चूज किया मैंने, मैं कोई बड़ा बंदा हूं, इसलिए पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाती है, और वो जितनी मुश्किलें आती हैं उतनी उनके चेहरे पे मुसरत हो रही होती है कि आह इसका मतलब है सेंस ऑफ अचीवमेंट और बढ़ी है। ये फितरी तकाजा है सेंस ऑफ अचीवमेंट का। याद रखिएगा, जब तक आप अपने वाई सेक्टर को रजिस्टर नहीं करेंगे ना अपने साथ, जो कि मैं अभी बताता हूं कैसे करेंगे, तब तक आप कैरियर की तरफ मत जाएं। ये हु कल्चर के रोज मैंने 10-20 हजार इंटरव्यू ले चुका हूं मैं अब तक, इतनी उम्र हो गई मेरी, लाखों और सीवीज मैंने देखी, मैं खोलूंगा आपके सामने कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, आपको बताता हूं। मगर जब तक आप वाई सिस्टम में नहीं आएंगे ना, आप इंटरव्यू के काबिल हैं, हजार इंटरव्यू देंगे 100 में पास भी हो जाएंगे, फिर साल बाद फिर कहीं पर कोई मसले मसाले फंसी होंगी नौकरी में, फिर नौकरियां बदल रही होंगी आप। आपको जब वाई क्लियर हो जाएगा, दुनिया की सारी कंपनीज आपके सामने बैठी होंगी कि खातून आप हमसे कई ज्यादा सुपीरियर लेवल का कॉन्फिडेंस, पैशन, एटीट्यूड रखती हैं, क्योंकि आपका आपका मकसद क्लियर है। ठीक है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हर जगह ही देता हूं, ये जो शोएब अख्तर याद है आपको, अगर वो ये सोचता ना कि मैंने दुनिया का सबसे अमीर और मशहूर बॉलर बनना है, तो वो दुनिया का सबसे तेज बॉलर ना बनता। मशहूर होने के 100 तरीके होते, ठीक है, वो बचपन से उसका वाई क्लियर था कि मैंने दुनिया का सबसे तेज बॉलर बनना है, शोहरत और पैसा खुद ही आ गया,